आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है, p मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है, जैसे हमारी कोई भी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डी। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है पी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाला पार्ट इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले आपस में, तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x और माइनस 4x, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 6x प्लस में 8, ठीक है, प्लस में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस में 2x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक ये वाला, ठीक है, माइनस 6px, ठीक है, और ये माइनस 2x, ठीक है, 8p प्लस पे 8p और एक ये प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बनेगा p प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम x को कॉमन निकालें या फिर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 6p प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट जैसे c वाला पार्ट 8p प्लस 1। अब आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, ठीक है, प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी हमारी p प्लस 1, ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी माइनस ऑफ 6p प्लस 2, ठीक है, c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी 8p प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 क्योंकि रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है गिवन, जो है पुट करते हैं तो कितना आएगा माइनस ऑफ 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस में 4, a हेयर इज p प्लस 1 और c क्या है 8p प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेगेटिव का स्क्वायर लोगे तो सब चीज़ पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 36p स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 2ab यानी कि 6 × 12 × 24p, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 4 को बाद में करेंगे, पहले इनमें आपस में कर लेते हैं 8p स्क्वायर, ठीक है, 8p स्क्वायर और p प्लस 8p तो ये हो गया हमारा 9p, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये हो गया 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन अब आप देखो इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से भी 4 और वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम 4 कॉमन निकाल लिया तो 9 × 36 प्लस 1 प्लस 6p, ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 8p स्क्वायर माइनस ऑफ 9p माइनस ऑफ 1 ब्रैकेट में 0, ठीक है, ये 4 लेके कॉमन 0 की तरफ चला गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर, तो क्या बचा p स्क्वायर, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए आपस में, ठीक है, 6p माइनस 9p तो यहाँ पे कितना बचा माइनस में 3p दैट इज इक्वल टू 0। अब अगेन p को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p की दो वैल्यू होंगी, p इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 3,
थ्री, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू है पी की, दैट इज 0 एंड 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे एक वैल्यू होगी 0, एक होगी 3। तो आंसर इज दिस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।